ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश मीणा द्वारा बीकानेर में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को सौंपे गए ज्ञापन ने बताया क्या कि रविंद्र मंच बीकानेर में राजविका के स्वयं सहायता समूह के संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद मीणा द्वारा सार्वजनिक मंच से बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद के प्रति अशोभनीय व्यवहार व अत्यंत निम्न स्तरीय टिप्पणी की गई। साथ ही शालीनता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए मंत्री द्वारा जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए कहा गया। अत्य संघ मंत्री के अशोभनीय आचरण व अभद्र व्यवहार और टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा व भत्सना करता है। साथ ही संघ मांग करता है कि मंत्री को अमर्यादित टिप्पणी व अशोभनीय व्यवहार के लिए खेद प्रकट करने या माफी मांगने के लिए निर्देशित किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं शालीनता सौम्यता विनम्रता के प्रतीक रहे हैं, ऐसे ही अपेक्षा सरकार के अन्य मंत्रियों से की जाती है। इस प्रकरण में सरकार से आवश्यक कदम उठाए जाने का आग्रह है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष अनुपम सिंह, भूपेंद्र सिंह, रोहित अमरवाल, विशाल नागर, ललित गोडिया, मोहम्मद खान, राजकिशोर तथा हनुमान सिंह रावत सहित अन्य सदस्य शामिल थे। भगवती प्रसाद जी कलाल, जिला कलेक्टर महोदय बीकानेर को मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अभद्रता एवं अशालीनता के संबंध में टिप्पणी की गई, जो कि अशोभनीय व्यवहार है। मंत्री महोदय द्वारा एक अच्छे और बेहद जुझारू कार्मिक और अधिकारी के खिलाफ इस तरह की अभद्रता जो है ठीक नहीं है, और मंत्रालय कर्मचारी राजस्व संघ उसका विरोध करता है